पापा। तुम भाग क्यों गए? वो जानवर तुम्हारा शिकार है। मैं डर गया। तुम एक डायनोसॉरस हो, तुम एक राजा हो। देख रहे हो जूनियर, ये हमारा इलाका है, इसके लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया है। ये सब तुम्हारा होगा, पर जैसे तुम हो तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। एक टाबसोरस होने के नाते मेरा बेटा कमजोर नहीं हो सकता। कल से तुम्हारी तैयारी शुरू। अगर रास्ता भटक जाओ तो नदी को ढूंढना, उसके सहारे तुम्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। शिकार के वक्त सबसे जरूरी आत्मविश्वास है। हम टाबसोरस पैदाइशी शिकारी सबसे ताकतवर और सबसे बेहतर हैं। ये भूलना मत कि तुम कौन हो। तुम एक टाबसोरस हो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। चलो अब चले। तैयार हो जाओ। अपने आप को टाबसोरस कहते हो? तुम कायर हो। आप बहुत बुरे हो। तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता बच्चे की परवरिश कैसे करूं। मैं कभी कभी बहुत सख्ती कर देता हूं, पर मैं क्या करूं? ये सब अकेले कैसे करूं? फिर छिप कर बैठे हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
आखिर तुम कब बड़े हो गए? पापा, ये क्या हो रहा है? तारे टूट रहे हैं, पहाड़ भी फट रहे हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। पापा, फिर हमारा क्या होगा? हमें अपने लिए एक नया घर ढूंढना होगा। क्या हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते? मुझे यहाँ से नहीं जाना। जूनियर, ये दुनिया खतरों से भरी हुई है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत अद्भुत चीजें भी हैं। अगर हम रुके तो सुरक्षित रहेंगे, पर हमेशा डरे हुए, ऐसे में इस दुनिया की खूबसूरती को तुम कैसे जी पाओगे बेटा? फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। लग गई। तेरा बाप कहाँ है बच्चू? मेरे पापा रास्ते में है। तो इसका बाप रास्ते में है? हाँ। कितना क्यूट बच्चा है। अबे डिटो, ये कितना क्यूट है ना। hey, डिटो, कितना क्यूट है ना। hey, डिटो, मैंने कहा था ना मेरी नकल मत उतार। hey, डिटो, तुमने कहा था तेरी नकल ना उतारूं। जूनियर, जूनियर, पापा, जूनियर, बाप रे बाप, आ गया इसका बाप। ये तो कहता है इसका बाप सो रहा है। ये तो एक मिनट का। ये तो मैं किसी काम के नहीं। चलो चले, उठाओ उसे, चलो। जूनियर, पापा, जूनियर। जूनियर, पापा, जूनियर, पापा, जाओ संभालो
और उसकी महक भी। नहीं, नहीं जूनियर। Arbo Hey, tumhe dar lag raha hai? पीछे हट, मेरे रास्ते से हट जा। रुक जाओ स्लैश। मुझसे बच कर रहना बच्चे। ब्लेड, तुमने देखा कैसे डर रहा था? इसकी तो जबान ही गले में अटक गई। देखने में तो डाइनोसॉरस लगता है लेकिन पिद्दू है। थैंक यू। मेरा नाम जूनियर है। मेरा नाम ब्लू है। पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? पक्का ना तुम एक ताबो हो? अरे नहीं, वो वापस आ गए। मैंने कहा ना, मेरी नकल मत करो बेटा। सबके सब जल्दी यहाँ जमा हो जाओ। जल्दी यहाँ जमा हो जाओ। कहा तो ना मेरी नकल मत उतार डेटो। अकड़ बम्बे बाओ, आज मैं किसको उठाओ? ये बढ़िया लग रहा है, मुझे ये पसंद है। अकड़ बकड़ बम्बे बाओ। तुम दोनों बाहर आओ। मैंने कहा ना, बाहर आओ। जल्दी करो और चलो यहाँ से। जल्दी करो और चलो यहाँ से। अरे यार, इसको कौन समझाए?
अब इन लोगों का क्या होगा? थोड़ा तेज नहीं चल सकते क्या? पता नहीं, कोई आज तक वापस नहीं आया। बस कोशिश करो कि ये तुम्हें बाहर न ले जाएं। यही महक थी, मैं इसे मार गिराऊंगा। मतलब लगता तो है, बदला लेना है। मुझ पर हमला करने की कोशिश की बेवकूफ शाकाहारी। क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को मारा है, तुम मेरे दुश्मन हो। इतनी मोटी चमड़ी वाले को मैं क्यों मारूंगा? हाँ, तुम झूठे हो। तुम्हारी मोटी चमड़ी पर मेहनत करना बेकार है। ऐसी बेकार नहीं थी, वो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। तुम और तुम्हारे भद्दे दोस्त से ले गए। क्या बकवास है ये? वो मेरे दिल के बाहर। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है तुम ही उसे लेकर चले गए, तुम मेरे दुश्मन हो। हे, तुम अंधे हो क्या? मैं इधर खड़ा हूँ। तुम यहाँ नहीं हो? मैं देख सकता हूँ लेकिन थोड़े पास से। देखो, गौर से देखो, क्या मैं वही हूँ? देखो। हाँ, मैं कुछ सूंघ पा रहा हूँ। ये डेजी के कातिलों जैसी महक है, पर नहीं, कुछ अलग है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है वो कितने डाइनो थे? शायद 3 नहीं, 4, पता नहीं। असल में उनमें से एक छोटा था, उसकी महक छोटे बच्चे जैसी थी, काफी कुछ तुम्हारी तरह थी। सच में? देखो, मेरी आंखें जरूर कमजोर है, पर सुनने की शक्ति सबसे तेज है। मेरी पूरी जिंदगी में मैं कभी गलत साबित नहीं हुआ। फिर वो मेरा बेटा होगा, जरूर वही होगा। पक्का? हाँ, मेरा बेटा, उसकी महक मेरे जैसी है। प्यारा बच्चा। हे, क्या तुम उन्हें अभी भी ढूंढ सकते हो? इस तरफ, मुझे इस दिशा से हल्की हल्की महक आ रही है। तो चलो चले। कौन है? मेरे साथ आओ, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या वो अब भी जिंदा होगा? मुझे पता है वो अभी भी जिंदा है, वरना वो उसे लेकर जाते ही क्यों? पर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? कभी नहीं। अगर तुम्हें भूख लग गई तो?
तुम मांसाहारी हो और मैं मांस हूँ। मैंने पहले भी कहा है तुम्हारी चमड़ी मोटी है। नहीं है। क्या तुम उन कातिलों से डेजी का बदला नहीं लेना चाहते? वो मेरे दुश्मन है। बहुत अच्छे, तो चले। हाँ चलो, तूने सबक सीखा है तो चलो। बात लग गई। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मोटी चमड़ी के अंदर मांस बिल्कुल बेस्वाद है। किसी से भी पूछ लो, अगर भूख लगे तो मुझे बताना, मैं हरी हरी घास लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। अपनी गुफा ढूंढिए, मेरी है, चल निकल। निकल यहाँ से, जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से, बचाओ तुझे अभी चपत। उसे निकल जा। छुपे हुए थे? चुप। मैं तो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खतरा नहीं, इतनी बदबू में कोई नहीं आएगा। चुप। हे डरपोक छोकरी, तुम एक डरपोक डायनो हो ना, है ना जूनियर? मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती क्या? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। ठीक है, वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो इतने बदबूदार गोबर के ढेर में? घर जाने का इंतजार करूँगा। यहाँ से कोई घर नहीं जाता। मैं जाऊँगा, तुम देखना। कैसे? तुम ये करोगे कैसे? किसी उड़ते डायनो के ऊपर लटक के? यहाँ से कभी कोई नहीं निकल पाया, कम से कम जिंदा तो बिल्कुल नहीं। मेरे पापा आएंगे, मुझे लेने जरूर आएंगे। इस तरफ, इस गुफा में। हाँ, पर मुझे यहाँ खतरे की बू आ रही है, क्या हम निकल ले? बिल्कुल नहीं, वक्त बहुत कम है। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम कितना जिद्दी हो, अंदर खतरा है। स्पेकल्स! अरे बददिमाग पागल मांसाहारी! स्पेकल्स, तुम कहाँ गए? हमें साथ रहना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या? ये तो कोई नई गंध है, गुदगुदी हो रही है। मेरी गंध डरावनी है। ये अच्छा नहीं, तुम जैसे और भी है। एक और, ये तो मैंने नहीं सोचा था। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे? बाप रे, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही है कितना खतरनाक है। तुम मेरे बड़े हरे दोस्त से मिले नहीं हो? चलो स्पेकल्स, भागो। कितनी तेज भागते हो, वैसे इतनी मजबूत टांगे हो तो कोई भी तेज भागेगा। जल्दी
तुम्हारे पास कुछ कहने का है? नहीं है? कुछ नहीं? अरे सॉरी तो बोला। हेलो, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें डंक लगा है? बस एक छोटी सी खरोच है। जहर है, अब हम क्या करेंगे? मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा वरना जहर से तुम मर जाओगे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। पागल मत बनो, अपने बेटे के साथ भी इतने ही जिद्दी थे क्या? उसे कोई उठा कर ले गया या वो खुद भाग गया? मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि घाव को ठीक करना होगा। खाना आ गया, जल्दी चलना होगा। रास्ते से साथ कैसे चल पाओगे? रहने दो उसे। को कैसे बचाओगे अगर मर गए तो? तुम शायद समझ ही नहीं सकते, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ना, है क्या? नहीं है, मेरी तो आंखें भी कमजोर है, उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाता। हेलो, जूनियर जूनियर
तुम्हें शायद आंखों का धोखा हो रहा है। जूनियर यहाँ नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या तुम ठीक हो? नहीं, तुम मर नहीं सकते दोस्त। प्लीज, हेलो, वापस आओ। पिकल्स, अरे ये क्या, मैं डूब रहा हूँ। नहीं पिकल्स, मुझे बचाओ। ऐसे अकेला नहीं रह सकता। मेरा सर, मेरे कानों में रेत। बाहर निकल, बाहर निकल। ये हम कहाँ आ गए? क्या तुम जिंदा हो? पिकल्स, पिकल्स, उठो। तुम्हारी वजह से यहाँ पर हम फंसे हैं। अब तुम हार नहीं मान सकते। ये महक, कैसी महक? ब्लू आइज। मुझे महक आ रही है। यहाँ कोई है? ये किसकी महक है? ये तुम्हारे लिए लाया, मिलकर खाए। इसका मतलब थैंक यू है ना? बेवकूफो, गोबर के ढेर में बैठकर खाना कौन खाता है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जाओ। इतनी भी बदबू नहीं है। क्या है? नहीं, मुझसे दूर रहो। स्पेकल, मदद करो। शुक्रिया स्पेकल, पकड़ो उसे स्पेकल। अरे नहीं, उसकी गर्दन जैसे वो कर रही है। हाँ, ये सही आइडिया है। अरे अरे ऐसे नहीं, जैसे ज्यादा होगा जैसे वो कर रही है। अगर तुम पैकेज नहीं किया तो वो तुम्हें वो भी पहचान देता कि अरे नहीं। अच्छी अपनी जान बचाने वाले पर हमला करते हो? तुमने मुझे बचाया। हाँ, पर कैसे? पास में कुछ जड़ी बूटियां थी, खुशकिस्मत समझो खुद को। तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए इसे परोसने वाली थी। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हुसैन जाबा सर। क्या तुम ठीक हो? इससे किसी को चोट लग सकती है। मैं तुमसे अभी भी बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त का अकेला छोड़ दो। कौन है ये तुम्हारा पालतू? मैं हूँ जाबा साए, जिसे बदले की तलाश है। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैं एक शिकारी हूँ जिसे खाने की तलाश है। मेरी माना तो अपने दांत किसी और चीज के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ। क्यों ना पता लगा ही लिया जाए। रुक जाओ, ये खाना नहीं है, ये मेरा दोस्त है। हाँ, तुमने सुना ना? और तुम कौन? मैं हूँ फैंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। वो 2 हफ्ते पहले चोरी हो गई थी और मैं तभी से उसे ढूंढ रही हूँ। इस बार ध्यान से देखना, इसको उड़ाते हैं ऐसे। वाह, ठीक है, तुम्हारी बारी।
जबरदस्ती। जब तुम पूछ घुमाओ तो अपने पैर जमीन पर ऐसे रखो। मेरी बारी। और ये आउट। मेरे साथ आओ बच्चे। आजा बच्चे। नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ किया तो तुम्हें भी ले जाएंगे। तुम भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें बाहर के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपना सारा खाना दूंगा अगर तुम हमें सब कुछ बताओ। तुम मुझे सारा खाना दोगे? हाँ। दीवार के पार एक पहाड़ है, खोलता हुआ पहाड़, और उसके अंदर कुछ पैदा हो गया है, एक ऐसा राक्षस जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। अभी तो वो अपनी पिघलती कैद नहीं छोड़ सकता, पर जैसे जैसे आग बढ़ेगी उसकी ताकत भी बढ़ेगी। ये रैप्टर्स उसी को खाना देते हैं। आपने ये क्या, ये और बड़ा हो गया। प्लीज हम तीनों पर दया करो। या बस मुझ पर थोड़ी सी। राक्षस अकेला नहीं है, उसके तीन बेटे हैं। तुम्हारे दोस्त उनके लिए खिलौने हैं, और जब खिलौनों से उनका मन भर जाता है तो वो उन्हें चीर डालते हैं। तो मुझे डर है कि डस्टी, ये मेरी गलती है, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। मैं कायर हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। वो सही कह रही है, पर चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ मिल जाएं। क्या दिमाग तो ठीक है? वो देखो, उनके पंजे मुझसे 10 गुना ज्यादा तेज है। वो ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले हैं। शायद इसका मतलब हमें अपना दिमाग करोड़ों गुना ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। अरे यार,
इतना भी मुश्किल नहीं होगा। या तुम दोनों को डर लग रहा है? तू पछताएगा। पीछे हट। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद गर्ज हो। तुम्हारा क्या होता अगर तुम्हें जख्मी देखकर मैं भी ऐसा सोचती? मैं खुद को संभाल लेता। क्या? सही सुना, और वो भी खुद को संभाल लेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है। क्या तुम्हें उन माओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही? हमारे बच्चे, उन्हें हमारी जरूरत है। वक्त जाया मत करो, हमें चलना चाहिए। तो तुम जाओ। सोच रहा हूँ कोई इतना सड़ू कैसे हो सकता है दोस्त। साई, अंडा। कौन है? साई, वो ठीक तुम्हारे सामने है। वो कहाँ है? साई। सुषमा, अरे कोई।
मुझे। छोड़ दो मुझे। प्लीज मुझ पर दया करो। सही सही है, भागो छिपकली के बच्चों। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। तुमने सही किया स्पेकल्स। अब चलो। मेरा एक सवाल है, ये ऐसी आवाजें क्यों निकालते हैं? ये दर्द में है क्या? अरे बेवकूफ, ये ऐसे ही बात करते हैं। ये तो बहुत ही बेसुरे है, तुम मुझे सिखाओगी? शायद अगर तुम मुझे पूंछ घुमाना सिखाओ। देखा तुमने वहां ऊपर हमेशा तीन चौकीदार रहते हैं। इसे सबक सिखाऊंगा, ऐसा हमला करूंगा जो ये सोच भी नहीं पाएगा, ऐसी घात लगाऊंगा कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। पहाड़ तक पहुंचने से पहले तुम्हें दर्जनों गड्ढों को पार करना होगा जिसमें उबलता लावा होगा। अगर तुमने वो पार कर भी लिया तो एक गहरी खाई आएगी जिसमें उफान मारती हुई नदी है। रुको रुको, तुम्हारा मतलब पहाड़ी से पहले एक नदी है? हाँ। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि नदी के सहारे हम घर तक पहुँच सकते हैं। हाँ, हम उसमें कूद कर घर तक तैर सकते हैं। तैर के? हाँ और क्या। एक मिनट, तुम्हें तैरना तो आता है ना? नदी की फिक्र बाद में करना, पर यहाँ से निकलोगे कैसे? वो रैप्टर्स कभी तो सोएंगे ना। हाँ, क्या हम तब बाहर नहीं निकल सकते? इतना आसान नहीं, चौकीदारी करने के लिए कोई ना कोई जगह रहता है, उनकी नजर बाज की तरह है। तुम कभी भाग नहीं पाओगे। ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे बेकार प्लान के साथ तो कोई चांस ही नहीं। तो तुम्हारा क्या प्लान है बड़े भैया? हाँ, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी? तो फिर तुम बताओ। रहने दो, तुम क्यों जानना चाहोगे? भाव मत खाओ ब्लेड, अब बताओ भी। बहुत आसान है, आओ सुनो। बढ़िया है, सही है। वाओ, कितना बढ़िया प्लान है, मैं तो इम्प्रेस हो गई यार। हाँ, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है ना। हाँ, अब ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लेड, तुम्हारा बाहर कौन इंतजार कर रहा है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। आज का चौकीदार वहां सो रहा है। चलो, यही मौका है। शुक्रिया।
शुक्रिया ब्लेड, काम हो गया, चलो अब चले। ओहो, तुम पहुंचने वाले हो, चलते जाओ। तुम्हारा इंतजार करते हुए हम बोर हो गए। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अब मैं तुम में से एक हूं ना, है ना? कहा था ना पछताओगे। किस तरफ? तीसरा गायब है, कहाँ गया? तो तीसरा कहाँ है? नहीं। बता दे। नहीं बताऊंगा। बता दे। दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब। नहीं बताऊंगा। अगली बार खाना खाने तक इन्हें यही रखते हैं, उससे जल्दी भूख लगेगी। जल्दी भूख लगेगी? मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। हमारा खाना। उन पर नजर रखना। कितने सारे तारे हैं। मुझे हर रात ब्लू के साथ आसमान में तारे गिनना बहुत याद आता है। माँ की बहुत याद आती है, पता नहीं वो कहाँ होंगी। हाँ, मुझे भी पापा की याद आती है। तारों को देखकर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जूनियर के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। वो सुरक्षित रहे इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। मैं समझ सकती हूँ, पर ये वक्त खतरों से भरा है। दुनिया तेजी से बदल रही है। पर मैं ये झुठला नहीं सकता कि उसके साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, पर मैं नाकाम रहा। और अब शायद मुझे उसे कभी बताने का मौका ना मिले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। दस्ता तारा टूटा। हम नहीं निकल पाएंगे। मायूस मत हो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। हिम्मत रखो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं शुरुआत में खड़ूस थी ना। वो भी जरूरी था। पापा ठीक कहते थे, बहुत खतरनाक चीजें हैं इस दुनिया में, पर अगर हर चीज अच्छी हो तो जीने का मजा ही क्या। हाँ, सही कहा। म
मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है, स्पेकी के पिछवाड़े से भी गंदी। महक तेज हो गई। हाँ? चल क्या रहा है? रैप्टर्स, वो पास है। परफेक्ट मकोड़े, तुझे इसलिए छोड़ा कि तू हमें धोखा दे, गद्दार। नहीं मालिक, ऐसे नहीं है। लूटा, चलो इसके पर काट दे। पहले कौन सा काटे? छोड़ो। तुम कटे और ये हमसे बात कर रहा है? तुम कटे घोंचू और कमकल। तुम कटे घोंचू और कमकल। मैं तो चला। नकल बंद कर, पकड़ो से। ये हम चले। लग गई और ने पता भी नहीं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे पीछे, हमारे पीछे। मुझे छोड़ कर जा रहे हो? मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मेरी पूछ। आखिर तुम मिल ही गए। हमें इसी दिन का तो इंतजार था। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जो पूछोगा बताऊंगा। हमारे बच्चों को कहाँ ले गए? बच्चों को कहाँ ले गए? ये पागल है क्या? जल्दी जवाब दो। मेरी पूछ, उन्हें घेरे में जमा कर रखा है। घेरे में? घेरे में? वो कहाँ है? नदी से सीधा सीधा जाओगे तो घेरा मिल जाएगा। क्या सच में? मेरी पूछ मत काटना। ये फैसला मेरा नहीं, ये साई का है, एक योद्धा। वो मुझ पर रहम करेगा ना? तुमने मेरी डेजी को मारा, अब सामना कर इंसाफ की पूछ का। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। साई, बदले की आग। अब चलो। ठीक है, नहीं, क्यों मुझे अपनी जीत का मजा नहीं लेने देते? मतलब ही डाइनो। चल जल्दी चल, ड्रामेबाज कहीं का। ठीक है, एहसान परामोश। बाल बाल बचा, आज तो मर ही जाता। नहीं, कोई है क्या? बचाओ मुझे, बचाओ। अरे भूकंप आ रहा है। भागो। जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम फंस गए। ये तो हिल ही नहीं रहा। सरा नहीं। रुको, तुमने सुना क्या? वही बेसुरी आवाज। देखो उस तरफ। कहाँ पर? कहाँ पर? मैं कहाँ देखूँ? मुझे ये धुएं का बादल कहां से आया?
क्या जवाब था? वो जगह यही है। मुझे खतरे की बू आ रही है। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। हाँ? दोस्तों सुनो, यहां कोई चौकीदार नहीं है। चलो भाग चले, चलो जल्दी करो। चलो चलो चले। ब्लेड, ध्यान रखना, नदी की ओर जाना है। हाँ ठीक है। वहीं रुक जाओ। इसे मैं संभालता हूँ। ब्लेड, तुम जाओ। नहीं ब्लेड, हम साथ जाएंगे। मुझे ये अकेले ही करना होगा। हम रुक नहीं सकते। ब्लेड, अपना ध्यान रखना। हे ब्लेड, हिसाब बराबर कर ले। आर या पार? मेरी पूछ, जाने दो, छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिले। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तो ठीक है, आज हो ही जाए। मेरा हाथ। मेरे दोस्त को छोड़ दे। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
टीम है। सबसे अच्छी टीम। दोस्तों चलो चलें। चलो घर चलें। जूनियर ब्लू मैं यहाँ। जूनियर इस तरफ। जूनियर ब्लू रुको। ये कितना गहरा है। जूनियर क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे बचाओ। तुम एक टाबोसॉरस हो बेटा, भरोसा रखो खुद पर और कभी मत डरो। मैं कर सकता हूँ। Ah!
पापा। तुम कब सुधरोगे? हाँ? तुम्हें उन सब का बिना डरे डट कर सामना करना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए तुमको। पापा, मैं दस्ती को बचाने गया था। बस करो। हाँ, आपको कभी मुझ पर विश्वास नहीं होता। हे, आपकी दिक्कत क्या है? जूनियर तो अपने दोस्त को बचाने जा रहा था। ये सच है? अच्छा, वो सच में मुझे बचाने आ रहा था। अच्छा, अगर जूनियर नहीं होता तो क्या? सत्यानाश, मुझे अकेला छोड़ गए। दगाबाज मांसाहारी मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों? साई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो! पीछे छोड़ दिया। अब फिर से पीछे छोड़कर जा रहे हो? जल्दी करो, इस तरफ, इस तरफ। वो क्या था? वो ज्वालामुखी राक्षस है। मुझे राक्षसों से एलर्जी है। जूनियर, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जूनियर, जूनियर, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जूनियर, पागल हो क्या? नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा बेटा अकेला है। अगर तुम बाहर गए तो खाना बन जाओगे। खाना? अरे तुम नहीं मार रहे हो? और राक्षस जा रहा है। जूनियर, पापा, सबको बाहर निकालो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बेटे से दूर हटो। जूनियर, साई, बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है। बच्चों, चलो चले, चलो मेरे पीछे आओ। जूनियर, नहीं 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 नहीं, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। ये बच्चे मुझे पक्का मरवाएंगे। फैंग मुझे कच्चा चबा जाएगी। Dusty!
चलो बच्चों निकलो यहाँ से। मेरे पीछे।
रास्ता बंद है। जोर से लग गई। नहीं, नहीं। कोई फायदा नहीं, मैं बाहर निकलना होगा। कोशिश करते रहो। ईश्वर, मैं आ रहा हूँ। मेरी डेजी, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। वो तो मुझे पता था, मैं साई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। तुम एक सच्चे दोस्त हो, हालांकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। अलविदा मेरे दोस्त, बस इस बात का मलाल रहेगा कि मैं तुम्हारा स्वाद नहीं ले पाई। मजाक अच्छा है, स्वाद के लिए एक पप्पी कैसी रहेगी। नहीं। अच्छा ठीक है, इसके साथ खुश रहना। ये सुबह खड़ूस और दोपहर को गुस्सैल होता है, लेकिन तुमने अपनी अदाएं दिखाई तो। अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं तो चला। शुक्रिया साई। साई का अलविदा। मुबारक हो बच्चों, हमारी नई दुनिया। जूनियर ब्लू, जरा पीछे भागो। नहीं।